वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रीना यादव। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भूगोल क्लास सिक्स हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर 3 भूगोलक मानचित्र तुलना और क्षेत्र भ्रमण। आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ओके सो वी रेडी। चलिए हम स्वाध्याय पर आ जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ पास्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन ही लर्न करने हैं, और वो भी अगर आपने लेसन अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई क्वेश्चन भी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपको तो पहले से ही पता है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्वाध्याय है पेज नंबर 18। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द्वि आयामी एवं त्रियायामी साधनों की क्या विशेषताएँ हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका उत्तर पेज नंबर 17 पे। तो चलो हम चलते हैं पेज नंबर 17 पे। ये हम आ गए पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 पर देखो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको लोग के लिए टिक करके रखा है। यहाँ पे दिया है द्विआयामी और त्रिआयामी। अब द्विआयामी और त्रिआयामी का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ और समझाने की कोशिश करती हूँ। द्विआयामी वह पृष्ठभाग जिसके दो आयाम लंबाई और चौड़ाई होती है, समझे? मतलब जैसे बोलते ना लंबाई चौड़ाई है, हर किसी की लंबाई चौड़ाई होती है लगभग। तो जैसे जो यहाँ पे दिया गया है, वह पृष्ठभाग जिसके दो आयाम यानी कि लंबाई और चौड़ाई होती है उसी को हम द्विआयामी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल कागज, चैम्पर, मेज, जमीन आदि आदि, आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि आयत हो गया, आयत की भी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। और हमारा कागज़ हो गया, तो कागज़ हमारा ऐसे होता है, तो एक हमारी एक हो जाती लंबाई, एक होती है हमारी चौड़ाई। आप जानते हो ना आयत की परिभाषा, लंबाई गुणे चौड़ाई। दूसरे मतलब जो भी मतलब आयत या वर्ग के टाइप में होता है उसकी लंबाई चौड़ाई होती ही होती है। हाँ, तो यहाँ पे यदि कागज़, श्यामपट, मेज, जमीन, इसके अलावा अगर आपको और एग्जांपल्स आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। चलो अब हम त्रिआयाम की जाते हैं। वह पृष्ठभाग जिसकी 3 आयाम चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई होती है, उसको हम त्रिआयामी कहते हैं। अब प्याला, लोटा, पर्वत, चंद्रमा आदि। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति छोटे भूगोलक पर कौन कौन से घटक दर्शाए जा सकते हैं। जो हमारा छोटा भूगोलक होता है ना, आप लोग ने देखा होगा, आप लोग स्कूल में दिखाया गया होगा, एक छोटा सा भूगोलक होता है, गोल सा होता है। जैसे देखो ये कितना बड़ा भूगोलक है, इतना बड़ा भूगोलक नहीं, स्कूल में होता है छोटा सा होता है भूगोलक, मतलब गोला सा। हाँ, जैसे देखो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है ना, ये सब ऐसे छोटा सा स्टैंड पे लटका रहता है, ऐसा भूगोलक रहता है। तो ऐसा ना स्कूल में बच्चों को दिखाने के लिए, उस पर समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए रखा जाता है। आप लोग के टीचर ने भी आपको दिखाया होगा, नहीं दिखाया होगा तो दिखा देंगी। तो उसमें हम बोला गया है कि अति छोटे भूगोलक पर कौन कौन से घटक दर्शाए जा सकते हैं। तो उसमें हम क्या, पूरा इतना बड़ा वर्ल्ड है उस पर हम तो सब कुछ दिखा नहीं सकते, तो हम उसको शॉर्ट में ही बताना होगा ना। तो उसमें हम क्या दिखा सकते हैं, प्रमुख रेखाएं, मुख्य महाद्वीप, प्रमुख देश और शहर, ये सब चीज़ें हम दिखा सकते हैं। क्या बोला मैंने, प्रमुख रेखाएं, मुख्य महाद्वीप, प्रमुख देश और शहर। तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, अति छोटे भूगोलक पर हम प्रमुख रेखाएं, मुख्य महाद्वीप, प्रमुख देश और शहर जैसे घटक दर्शाए जा सकते हैं, या फिर हम दर्शा सकते हैं। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट दैट इज़ 3। पृथ्वी पर होने वाले दिन रात की संकल्पना को किस साधन द्वारा समझना आसान होगा। तो जो पृथ्वी पर क्या दिन रात होता है, हर पृथ्वी पर जो दिन रात होता ही है वो किस कारण होता है, सूर्य। और पृथ्वी अपनी गोल घूमती है सूर्य के चारों ओर, और पृथ्वी खुद भी गोल घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी गोल घूमती है, इसी वजह से दिन रात होता है। तो बोला क्या गया है, पृथ्वी पर होने वाले दिन रात की संकल्पना को किस साधन द्वारा समझना आसान होगा। तो हर कोई तो आसमान में तो जा नहीं सकता, ब्रह्मांड में, तो उसको छोटा सा दिखाने के लिए हम भूगोल की सहायता यूज़ कर सकते हैं।
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, भूगोलक, यानी कि पृथ्वी पर होने वाले दिन रात की संकल्पना को भूगोलक साधन द्वारा समझना आसान होगा। अब चौथा देखें, तुम्हारा गांव शहर दिखाने के लिए कौन सा साधन उपयुक्त होगा। ये हम जैसे देखो कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं या जंगल में जाते हैं तो मैप वगैरह का यूज़ करते हैं, तो मैप यानी कि मानचित्र, तो मानचित्र की सहायता से हम अपने गांव और शहर को आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हाँ बाबा हमारा गांव यहाँ है, ये जगह यहाँ पर है, वो जगह वहाँ पर है। मानचित्र में हम उसको अच्छे से देख सकते हैं। तो उसका उत्तर क्या लिखेंगे, हमारा गांव या शहर दिखाने के लिए हम मानचित्र साधन उपयुक्त साधन का उपयोग करेंगे या फिर मानचित्र साधन उपयुक्त होगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकेंगे ऐसा कौन सा साधन है। ऐसा साधन हमारे पास भूगोलक है, यानी कि इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकेंगे ऐसे ही भूगोलक साधन है, ऐसा भूगोलक साधन है, मतलब ऐसा साधन भूगोलक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें वीडियो को, हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।